लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज और अपडेट्स के लिए माय क्रिकेट प्रोडक्शन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश। आपने ट्यून इन किया है माय क्रिकेट प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है आईपीएल 2018 के सारे फैंस के लिए। दरअसल दोस्तों, स्टार स्पोर्ट्स ने ऑफिशियली घोषणा कर दी है कि इंडियन प्रीमियर लीग 2018 का जो एंथम सॉन्ग है वो आज ही रिलीज होने वाला है। जी हां दोस्तों, आज रिलीज होगा आईपीएल का एंथम सॉन्ग। 12 मार्च को ये जो एंथम है वो रिलीज होने वाला है। 8 का वेट, इसका नाम जो स्टार स्पोर्ट्स ने दिया है वो 8 का वेट दिया है। दोस्तों, 1 करोड़ के बजट में इसको जो है वो फिल्माया गया है। मतलब इसकी वीडियोग्राफी, ऑडियो वीडियो कंपोजिशन, सारे प्रोडक्शन में लगभग 1 करोड़ का खर्चा आया। मतलब बहुत ही तगड़ा ये जो सॉन्ग है ये क्रिएट किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, एक पूरी सीरीज है उसकी तैयारी करने की कोशिश कर रहा है स्टार स्पोर्ट्स। मतलब जैसा हर बार आईपीएल में होता है, इनके एंथम सॉन्ग के बाद एक पूरी वीडियो सीरीज निकलती है, कई सारी छोटी छोटी वीडियोज बनाते हैं, वैसी कोशिश दोस्तों स्टार स्पोर्ट्स भी करने वाला है। दोस्तों, आज शाम को आप 8 बजे किसी भी इनके जो ट्विटर हैंडल हो या इनके जो फेसबुक पेजेस हो, वहाँ जाकर स्टार स्पोर्ट्स के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल या फेसबुक पेज पर जाकर इनके जो एंथम है उसे देख सकते हैं। इन्होंने ऑफिशियली घोषणा करी है, उसी आधार पर मैं आपको जो है वो न्यूज़ दे रहा हूँ। हालांकि दोस्तों, ये जो एंथम सॉन्ग था ये पहले ही सारे पूरी तरीके से तैयार हो गया था। लगभग 10 दिन पहले ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था, लेकिन बाद में ये क्लियरेंस के लिए गया था। किसी भी चीज़ के लिए जो भी टीवी पर ब्रॉडकास्ट की जाती है उसे क्लियरेंस की ज़रूरत होती है, और अब दोस्तों फाइनली इसे क्लियरेंस मिल गया। और अब दोस्तों हर जगह पे आपको इंडियन प्रीमियर लीग 2018 का ये एंथम सॉन्ग गूंजता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, ट्यून इन रही है चैनल के साथ भी, ट्यून इन रही है आईपीएल से जुड़ी खबरों के लिए, और स्टार स्पोर्ट्स पर चले जाइए अगर आपको देखना होगा ये एंथम सॉन्ग। दोस्तों, इसी तरह की और खबरें लगातार पाते रहिए। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।